ब्रजभूषण शरण सिंह के बनाम पहलवान मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। दरअसल एक तरफ साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल दिया। अपने बयान में पहले जहां नाबालिग महिला पहलवान ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, तो वहीं अब उसने बयान के बदलाव करते हुए कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला पहलवान के पिता से फोन पर बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि बेटी ने 164 के तहत दिए गए पुराने बयान को बदल दिया है। ब्रजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, वो नए बयान में नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इस वक्त वो परेशान है और वो चाहते हैं कि उनके परिवार को अकेला छोड़ दिया जाए। महिला पहलवान के पिता ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने केस गुस्से में आकर किया था। उन्होंने दावा किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह और WFI ने एशियाई चैंपियनशिप की चयन प्रक्रिया में पक्षतापूर्ण फैसले लिए थे, इससे उनकी बेटी काफी प्रभावित हुई थी। महिला पहलवान के पिता ने यह भी कहा कि जब पहलवान शुरू में विरोध पर बैठे तो शिकायत गुस्से के चलते की गई थी, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि चयन प्रक्रिया में उनकी बेटी के साथ गलत व्यवहार हुआ था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।